हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आपका जवाब होगा कि सर अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आरजीपीबी का मैथमेटिक्स 3 का पेपर है 4 तारीख को और आज हमारा 2 तारीख हो गया है। वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था, कंटिन्यूस बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं और जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो भी पता नहीं क्यों डर रहा है, और जो बच्चा नहीं पढ़ा खैर वो तो डर रहा है, वो तो अपनी बात को मान रहा है कि हाँ सर अपन ने पढ़ाई नहीं की। दोनों टाइप के बच्चों को मेरे पास फोन आ रहे हैं, लेकिन लिटरली यार बच्चे पढ़ने के बाद भी डर रहे हैं, तो भाई डरना क्यों है? अब हुआ क्या है कि 3 साल तक बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया, 3 साल नहीं, 2 साल इंजीनियरिंग में तो मानकर चलो ये 1.5 साल हो गया, अब 12th का मतलब 2 साल बच्चों ने कोई पेपर नहीं दिया। अब उनका 2 साल के बाद जो पहला रिटर्न पेपर हो रहा है वो है आपका मैथमेटिक्स 3 का, और नो डाउट बच्चों ने पढ़ाई की है, आप लोगों ने पढ़ा है, बस डरो मत, जितना मैं बोलता हूं उतना आप करो। सबसे पहली बात तो आप ये थिंकिंग मत रखना कि आप M3 में टॉप करने वाले हो, प्लीज टॉप वाली थिंकिंग को हटा दो। आप सोचो कि एक अच्छे नंबर से अपन को पास होना है, क्योंकि मैथमेटिक्स 3 में अगर आप टॉप करने के लिए जाओगे तो नो डाउट आप फेल भी हो सकते हो, ठीक है? चलिए भैया, तो आप बात समझ लीजिए आपको क्या करना है। आज 2 तारीख है, आज शाम तक आप जितनी भी चीजें पढ़ लेते हैं आप पढ़ लो, एक रात को 8 बजे तक जो भी चीजें आपसे हो सकती है आप पढ़ लो, और कल आप क्या करना, प्रॉपर जो फॉर्मूला है ठीक है उसको रिवाइज करना। मतलब कल आप कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ना। अब लगे हैं भैया परसों एग्जाम में ये भी कवर कर लेते वो भी कवर कर लेते, नहीं, जितना भी पढ़ लो आज रात 8 बजे तक पढ़ लो, और उसके बाद प्रॉपर फॉर्मूला का आप रिवाइज करो, अच्छे मन से रिवाइज करके जाओ, कॉन्फिडेंटली जाओ कि हाँ हमें करना है। मैं तो यार बच्चों को उतना टेंशन देता ही नहीं हूं, मैं कभी बोलता हूँ किसी बच्चों को कि भाई आप ये कर दो वो कर दो टॉप हो जाओ, नहीं भाई, मैं सारे बच्चों से ये विनती करता हूं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। कितने क्वेश्चन होते हैं? 8 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन होता है, 16 क्वेश्चन होते हैं। अब यार पास होने के लिए लिटरली क्या चाहिए, पास होने के लिए भाई मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूं कि आप देखो इतना भी खराब किस्मत नहीं है कि 16 क्वेश्चन करके जाओगे तो कम से कम 5 ऐसे क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही ना जो आपको अच्छे से आते हो, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से आते हो, आप उतना उस आपको लगता है कि हाँ आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो। तो भाई मेरे आप स्टार्टिंग के कम से कम 4 क्वेश्चन प्लीज सही सही बनाना, कोई भी कॉपी में कट पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर एग्जामिनर कॉपी खोलता है और ऐसे ऐसे करते हुए चला जाता है तो वो आगे भी ऐसे ऐसे ही चला जाएगा, उतना कोई डीपली कॉपी चेक नहीं होता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन में गुदागादी मत करना। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उसको बाद में करेंगे, नहीं, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आपको लगता है कि नहीं इसको मैं कर सकता हूं, तो प्लीज स्टार्टिंग के कम से कम 4 क्वेश्चन आप अच्छे से बनाना और चारों सही होने चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप हो जाओगे पास। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग का क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 गलत, क्वेश्चन नंबर 2 गलत, क्वेश्चन नंबर 3 गलत, उसके बाद लगे क्वेश्चन 4 सही 5 सही, तो एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं है। भैया अच्छे मन से जाओ, मैंने क्या बोला टॉप करने की नीयत से तो जाओ ही मत, आप सोचो कि हाँ अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे, और जो कम पढ़ा है वो ये सोचकर जाओ कि पास हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर देखो जो मैथ्स है ना बेटा, जैसे कि यूनिट 1, 2, 3 का जो मैथ्स है वो टाइम टेकन है, तो अगर मानकर चलो आपको 5 क्वेश्चंस करने में मतलब 35 मार्क्स के क्वेश्चन करने में अगर 2 घंटे भी लग जाते हैं तो लग जाने देना, घबराना मत। मानकर चलो 3 घंटे में आप कितना भी खराब तो कम से कम 8 क्वेश्चन तो कर आओगे यार, इतना नहीं है कि नहीं करके आओगे, लेकिन स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आप सीक्वेंस को भूल जाओ, कौन से सीक्वेंस को, आप बस देखो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं, आप वो क्वेश्चन को अच्छे से करो, एकदम कॉपी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कॉपी क्या होना चाहिए? नीट एंड क्लीन, कॉपी में कोई भी काटा कूटी मत करना भाई, एकदम साफ सुथरा कॉपी रखो, पास हो जाओगे, ठीक है? कुछ बच्चों ने बोला, एक बच्चों ने बोला कि सर आपने उस तरीके से कराया तो हमें कॉलेज में आधे नंबर मिले, ठीक है? कॉलेज वालों ने बोला भाई कोई मैंने मेथड पैदा नहीं करा, ठीक है, मैंने कोई मेथड पैदा नहीं करा, जो मेथड इजी तरीके से हो सकता है बस मैंने उसको इजी तरीके से कराने की कोशिश की। आप आउटपुट छोड़ दो,
आराम से पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन पेपर में देखो, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो, काटा काटी मत करो, आराम से पास हो जाओगे यार। मैथमेटिक्स पास करना कोई बड़ा बात नहीं है, आप लोग बस उसे झूठ मूठ का बड़ा बना रहे हो। ज्यादा की चाहत रखना मत, मुझे नहीं चाहिए कोई टॉपर, मुझे बस ये चाहिए कि ये वीडियो देखने वाला सारा बच्चा बस पास हो जाए, कोई कितना भी पढ़कर गया हो बेटा, टॉप कदम कॉपी को एकदम नीट एंड क्लीन रखने का, स्टार्टिंग के क्वेश्चन एकदम वही अटेम्प्ट करना, भले आपको आठवा क्वेश्चन आ रहा हो, सकता है आपको आठवा का ये अच्छा से आ रहा हो तो आप आठवा का ये बनाओ, हो सकता है आपको छठा का भी अच्छे से आ रहा हो छठा का भी बना दो, हो सकता है आपको चौथा का ये आ रहा हो चौथा का ये बना दो, हो सकता है आपको तीसरा का ये आ रहा हो तीसरा का ये बना दो, हो सकता है आपको पांचवा का भी आ रहा हो तो पांचवा का भी बना दो। मतलब स्टार्टिंग के अगर पांच क्वेश्चन सही बना दोगे भैया तो पास हो जाओगे। बाद में आपको क्या करना वो आप समझो, बाद में आप मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो क्या कर रहे हो मुझे ये नहीं मतलब, लेकिन स्टार्टिंग के क्वेश्चन सही कीजिएगा, घबराइए मत यार, ऐसा कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स थ्री में जो घबरा रहे हो। मैथमेटिक्स टू तो टफ था, वो तो पेपर हुआ नहीं, तो क्यों घबरा रहे हो, आराम से जाओ चार पांच क्वेश्चन सही बना कराओ। बाकी का मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी आप सही बना रहे हो गलत बना रहे हो, पास होने के लिए सिर्फ स्टार्टिंग के पांच क्वेश्चन सही होने थे, बस बात खत्म, बाकी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप आगे सही बना रहे हो गलत बना रहे हो ना मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ ना उतना सोच रहा हूँ, स्टार्टिंग के चार से पांच क्वेश्चन सही बनाओ पास हो जाओ, प्लीज प्रेशर मत लो, आराम से करो हो जाएगा यार, घबराओ मत। जो पढ़े हो जितना पढ़े हो उसी पे घमंड करो, उसी को रिवाइज करो, जितना भी पढ़े फॉर्मूलेज अच्छे से कर लो, अच्छे मन से जाओ एग्जाम में बैठो, ठीक है अच्छी, मतलब ऐसा नहीं कि अब एग्जाम है आपका तो आप क्या कर रहे हो रात भर पढ़ के सुबह एग्जाम देने जाओ, नहीं आप प्रॉपर स्लीप लो यार, आप 12 से 1 के बीच में सो जाओ, आराम से सुबह 8 बजे उठो, फ्रेश हो जाओ, फॉर्मूले को रिवाइज करके जाओ, ठीक है, और आराम से एग्जाम दो, उतना पैनिक नहीं होना। बट हम अलग से पैनिक हो गया, बच्चे घबरा रहे डर रहे, डरना क्यों यार, जब मैं एज अ टीचर मैं अपने बच्चों से क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा स्टार्टिंग का पांच क्वेश्चन सही बना कर आएगा, बस आप उतना करके आओ आराम से पास हो जाओगे, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। चलो तो सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है ना, और एग्जाम देने से पहले मम्मी पापा से बात कर लेना, एक अच्छी एनर्जी को लेकर जाना, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।